सरला के घर बहुत सालों से कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी, इसलिए वो चाहती थी उसकी बहू के इस बार बेटी ही पैदा हो। और पोती की चाह में वो कई सारे मंदिरों पर माथा टेकने जाती है और बहुत सारी दुआएं मांगती है, और जो भी उससे हो पाता है वो सब करती है। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार सरला की बहू मीनू एक बेटी को जन्म देती है, और इसी खुशी में वो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती है और सभी को बताती है, अरे कमला बहन जरा बाहर तो आओ, एक खुशी की बात है। क्या बात है सरला काकी, आज बड़ी खुश नजर आ रही हैं, कुछ अच्छा हुआ है? हाँ हाँ अच्छी बात हुई है, तभी तो आई हूँ। पता है मेरी बेटी ने पोती को जन्म दिया है, हमारे घर में कोई लड़की नहीं थी, आखिरकार एक लड़की भी आ ही गई, अब तो मैं गंगा नहाऊंगी। अच्छा ये तो खुशी की बात है काकी जी, अब मिठाई नहीं अब तो हमें दावत चाहिए, आखिरकार इतने सालों बाद आपके घर में लक्ष्मी जी के रूप में बेटी ने जन्म जो लिया है। हाँ हाँ कमला क्यों नहीं, पूरे गाँव को दावत दूंगी। इतना कहकर सरला वहाँ से बाकी के घरों में मिठाई बांटने चली जाती है। सरला की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और सरला की पोती अब 3 साल की हो जाती है, और एक बार जब वो बाहर आंगन में बैठे बैठे खेल रही होती है तो उसके सामने एक छिपकली ऊपर से गिर जाती है, जिसे वो खाने का सामान समझकर खाने लगती है। ऐसा करते हुए उसकी माँ उसे देख लेती है और भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, हाय राम माँ जी जल्दी आइए, यहाँ सोनम ने छिपकली निगल ली है, जल्दी आइए। क्या कहा, सोनम ने छिपकली निगल ली? हाय राम ये तो बहुत बुरा हुआ, जल्दी चलो डॉक्टर के पास, अगर छिपकली अंदर तक पहुँच गयी तो उसके जहर से सोनम को कुछ भी हो सकता है। हाँ माँ जी जल्दी चलो। इतना कहकर दोनों सास बहू भागती हुई हॉस्पिटल की ओर जाती है और सोनम का वहाँ पर घंटों तक इलाज चलता है। इलाज के बाद ऑपरेशन से सोनम के पेट से वो छिपकली निकाल ली जाती है, लेकिन छिपकली का जहर अब तक सोनम के खून में फैल चुका था, जिसकी वजह से कुछ दिन और उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। काफी मेहनत के बाद अब सोनम ठीक हो चुकी है और मीनू और सरला चैन की सांस लेते हैं। कुछ समय और बीत जाता है, अब सोनम पूरे 5 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी। एक दिन वो अकेले अपने कमरे में बैठी होती है तो उसके सामने एक कीड़ा चल रहा होता है। सोनम की मम्मी पास में बैठे खाना बना रही थी, वहीं उस कीड़े को चलता देख सोनम अपनी जीभ को एक छिपकली की तरह लंबा करके उसकी तरफ बढ़ाती है और उसे अपने मुंह में रख लेती है। ये करते देख सोनम की माँ उसे देख लेती है और कहती है, ये क्या खाया सोनम तूने, मुंह खोल क्या खाया है तूने? माँ मैंने तो कुछ नहीं खाया। नहीं मैंने देखा है तूने सामने चल रहे कीड़े को खाया है, चल मुंह खोल जल्दी अपना, मुझे बता। हाँ माँ सच में मैंने कुछ नहीं खाया। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तेरी दादी को सब बताती हूँ, वही तुझे अच्छे से सुधारेगी। आजकल पता नहीं क्या अनाप शनाप खाने लगी है, तुझे घिन नहीं आई तूने ऐसे ही कीड़े को खा लिया? मीनू आवाज लगाकर सरला को बुलाती है। सरला जब आती है तो मीनू उसे बताती है कि सोनम ने कीड़ा निगल लिया है। ये देख सरला गुस्से में कहती है, मुझे तो इस लड़की का समझ ही नहीं आता, कभी छिपकली निगल जाती है तो कभी कीड़ा निगल जाती है, अरे इसे खाने को कुछ क्यों नहीं देती? माँ जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कर क्या रही है। अरे ये बच्ची तो छोटी है, इसमें अकल नहीं है, पर तुझे तो ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी दिन अनाप शनाप खा लिया तो तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। उस दिन मीना और सरला दोनों इस बात को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे सोनम भी बड़ी हो जाती है। कुछ सालों बाद सोनम की दादी की मृत्यु हो जाती है। सोनम के माता पिता उस गांव को छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पर वो सोनम का एक नए स्कूल में दाखिला करवाते हैं। सोनम आज स्कूल का पहला दिन है तो स्कूल में ज्यादा मस्ती नहीं करना और किसी के साथ शरारत नहीं करना, अच्छे से रहना है ठीक है? माँ आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कितनी शरारती हूँ, आपको पता है ना मैं कितनी शरीफ लड़की हूँ, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती। हाँ जानती हूँ तू कितने शरीफ है, तभी तो पुराने स्कूल से हर तीसरे दिन तेरी शिकायत आया करती थी, इसलिए कह रही हूँ अपनी शराफत यहाँ पर मत दिखाना वरना इस स्कूल से भी निकाल दी जाओगी, अब चुपचाप स्कूल जाओ। इतना कहकर मीनू सोनम को स्कूल लेकर जाती है और वहाँ पर सोनम को क्लास में बैठा कर वापस आ जाती है। कुछ देर में टीचर भी क्लासरूम में आ जाती है, वो सोनम को देखकर पूछती है, अच्छा तो तुम हो सोनम जिसका इस क्लास में नया एडमिशन हुआ है? जी टीचर मैं ही हूँ सोनम। चलो तुम्हें पूरी क्लास से मिलवाती हूँ, बच्चों ये है सोनम, आज से इसी क्लास में पढ़ेगी। क्लास टीचर सोनम को क्लास के सभी बच्चों से मिलवाती है और उसके बाद सोनम को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और लंच का टाइम हो जाता है, जहाँ सभी बच्चे टीम बनाकर एक साथ बैठकर खा रहे थे, वहीं सोनम
बिल्कुल अकेली थी। वो अपना लंच बॉक्स खोलती है तो उसमें सैंडविच था जो कि उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। तभी उसके पास पिंकी नाम की एक लड़की आती है और कहती है, ये लो सोनम, आज तुम मेरे साथ लंच करो। मैं इस क्लास में नई हूँ, मैं भी इस क्लास में अकेली रहती हूँ। आज से हम दोनों साथ बैठेंगे और साथ ही लंच करेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मुझे तो लगा था अपने इस नए क्लास में मुझे अकेले ही लंच करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये सैंडविच खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम बताओ तुम क्या लाई हो? मैं भी सैंडविच ही लाई हूँ। ये भी कोई खाने की चीज होती है? ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कल मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आऊंगी। पिंकी इतना कहती है तभी सामने रखी टिफिन बॉक्स में सैंडविच के ऊपर एक मक्खी आकर बैठती है, जिसे देखकर सोनम लंबी सी जुबान निकालती है और उस मक्खी के साथ सैंडविच को चट कर जाती है और कहती है, अब आया ना मजा खाने में, मुझे तो यही खाना पसंद है। छी सोनम, तुम कितनी गंदी हो, तुम एक जिंदा मक्खी को निगल गई। तुम किसी जानवर से कम नहीं हो। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, ना ही तुमसे बात करूंगी। लेकिन हुआ क्या, तुम्ही ने तो मुझसे पूछा कि खाने में क्या पसंद है। सोनम इतना कहकर उसके पास जा रही थी और पिंकी पीछे हट रही थी। तभी पिंकी के आगे एक छिपकली गिर पड़ती है और उसे देखकर पिंकी चिल्लाने लगती है, लेकिन वहीं सोनम उस छिपकली को देखकर अपने हाथ में उठा लेती है। अरे पिंकी, तुम छिपकली से क्यों डर रही हो? ये देखो कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, ये तो मेरी दोस्त है। इतनी प्यारी छिपकली से तुम डर कैसे सकती हो? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, तुम कोई इंसान नहीं बल्कि छिपकली हो। अगर मैं छिपकली हूँ तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो छिपकलियाँ बहुत पसंद है, ये बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह है। कितने अच्छे से दीवार पर चलती है और कितने मजे से कीड़े को खाती है। मुझे भी इनकी तरह कीड़े खाना बहुत पसंद है। सोनम की अजीबोगरीब बातें सुनकर पिंकी बहुत डर जाती है। वहीं आसपास बैठे सभी बच्चे उसकी बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कभी किसी इंसान को ऐसी बात करते हुए नहीं देखा था। पिंकी डर के मारे भागकर सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंच जाती है और सोनम की सारी हरकतें प्रिंसिपल को बता देती है। सोनम, ये पिंकी तुम्हारे बारे में क्या कह रही है? तुमने कीड़ा खाया और हाथ में छिपकली को उठाया, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता इनसे? प्रिंसिपल जी, अब आप भी इनकी तरह बातें कर रही हो। मैंने बताया तो मुझे छिपकली बहुत पसंद है और खाने में कीड़े बहुत अच्छे लगते हैं, पर इसमें बुराई क्या है? आप भी तो चिकन मटन खाती है ना, जो आपको पसंद है वैसे ही मुझे कीड़े पसंद है। तुम बहुत ही बदतमीज लड़की हो, अभी मैं तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ। इतना कहकर अब प्रिंसिपल सोनम की माँ मीनू को स्कूल बुलाती है और मीनू को सोनम के बारे में सब कुछ बताती है। मीनू प्रिंसिपल की बातें सुनकर डर जाती है और सोनम से उन सब के लिए माफ़ी मांगने को कहती है, लेकिन सोनम अपने आप को सही ठहरा वे माफी नहीं मांगती। प्रिंसिपल सोनम को स्कूल से बाहर निकालने की धमकी देती है। तभी सोनम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो देखते ही देखते एक छिपकली में बदल जाती है। ये देखकर स्कूल के सभी बच्चे और प्रिंसिपल, यहाँ तक कि उसकी माँ भी डर जाती है। उसे नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद सोनम फिर से एक बच्ची के रूप में आ जाती है और स्कूल में जो मेल टीचर थे वो सोनम को बांध देते हैं और जल्दी से मीनू को एक तांत्रिक को बुलाने के कहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक तांत्रिक आता है और स्कूल के सभी बच्चों को घर भेज दिया जाता है। बाबा देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये ऐसे पहले कभी नहीं थी। इतना कहकर तांत्रिक अब वहाँ पर एक हवन कुंड लगाता है और उसमें सोनम की पुरानी यादें तलाशता है, जहाँ पर वो दिन नजर आता है जब सोनम ने एक जिंदा छिपकली निगल ली थी। ऑपरेशन के बाद छिपकली तो निकल गई थी, लेकिन उसकी आत्मा सोनम के शरीर में ही रह गई थी और उसके शरीर पर छिपकली के आत्मा ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से सोनम एक छिपकली बनकर रह गई। उस आत्मा को निकालने के लिए तांत्रिक तंत्र मंत्र का जाप करता है और सोनम को छिपकली से छुटकारा दिलाता है, जिसके बाद सोनम पहले जैसी एक आम बच्ची हो जाती है। राधिका बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वो अपनी विधवा माँ के साथ रहा करती थी। राधिका की माँ एक नौकरानी थी जिसने लोगों के घरों में काम करके राधिका को पाला था। उसी के मोहल्ले का एक प्रवीण नाम का लड़का राधिका से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन प्रवीण ने हिम्मत करके अपने दिल की बात राधिका से कह दी और राधिका इस शादी के लिए मान गई। लेकिन प्रवीण की माँ राधिका को पसंद नहीं करती थी और उसे प्रवीण की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। राधिका और प्रवीण की शादी हो जाती है और शादी के अगले दिन राधिका की सास शोभा उसे 4 बजे जगा देती है। अरे उठ जा, घर की बहू है तू, अब क्या दिन भर सोती रहेगी? पर माँ जी, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं और मैं तो 2 बजे सोई थी, और इतनी जल्दी उठकर मुझे कौन सा काम करना है? कौन सा काम मतलब? घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, उन सबका खाना चाय नाश्ता कौन बनाएगा? जल्दी से नहा के अपनी रसोई संभाल, समझी?
पर माँ जी घर में तो बहुत मेहमान हैं, मैं सबका खाना अकेले कैसे बना पाऊंगी। ओ महारानी, कैसे बनाऊंगी मतलब, गरीब घर की नौकरानी की बेटी है तू, तुझमे तो उसी का खून होगा। वैसे भी बिना दहेज के अपनी खूबसूरती के जाल में मेरे बेटे को फंसा कर आई है। कौन सा दान दहेज लाई है मेरे घर जो तेरे लिए अब मैं नौकरानी रखूं। शोभा की बात सुनकर राधिका रसोई में जाकर सबके लिए खाना, चाय और नाश्ता बनाती है और बर्तन साफ करती है। उसके हाथों की मेहंदी काम करके धुंधली पड़ चुकी थी और वो रोते हुए खुद से रसोई में कहती है, आखिर मेरी बस यही तो गलती है कि मैं गरीब घर से हूँ। माँ जी ने मेरे घर में आते ही मेरे साथ ये सब क्यों किया, क्या करूँ अब मैं। राधिका ये बोलकर रो ही रही होती है कि प्रवीण रसोई में आकर उसकी सब बातें सुन लेता है और कहता है, माँ तुम्हारे साथ ये सब सही नहीं कर रही है, चलो चलो मेरे साथ, मैं अभी माँ से ये सब क्लियर करता हूँ। नहीं प्रवीण, मुझे घर आए दूसरा दिन ही हुआ है, अगर तुमने अभी कुछ बोला तो सब कहेंगे कि कैसी बहू है ये, आते ही घर में कलेश करवा रही है। तुमको मेरी कसम, तुम कुछ मत बोलो प्लीज। राधिका की बात मानकर प्रवीण शांत हो जाता है, लेकिन शोभा कहाँ बाज आने वाली थी। वो राधिका पर आए दिन जुल्म करती, उसके धुले कपड़े गंदे कर देती, उसके खाने में मसालों की मिलावट कर देती और उसे सताया करती। राधिका के ससुराल में प्रवीण की दादी की एक तस्वीर थी, शोभा उस तस्वीर के पास नहीं जाया करती थी। राधिका भी ये नोटिस करती है लेकिन बात को टाल देती है। एक दिन राधिका अपनी सास को खुश करने के लिए एक साड़ी लेकर आती है जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर सांप बने हुए थे, और राधिका उस साड़ी को ले जाकर अपनी सास के कमरे में रख देती है। फिर एक दिन अचानक शोभा के कमरे से आधी रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है और राधिका और प्रवीण दोनों जाकर देखते हैं तो वहाँ शोभा बेहोश पड़ी थी। और राधिका कहती है, मुझे तो लगता है माँ जी को हार्ट अटैक आया है, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं राधिका, माँ को ये सब तभी होता है जब वो सांप देखती हैं। सांप देखकर? मतलब घर में सांप कहाँ से आया? अरे वो सब बाद में बताता हूँ, तुम एक काम करो, माँ के लिए पानी लेकर आओ जल्दी से। राधिका शोभा के लिए पानी लाती है और उसके होश में आने पर शोभा कहती है, सांप। माँ सांप नहीं है, देखो माँ आप अपने घर में हो, आपने सांप के प्रिंट की साड़ी देखी होगी, आप शांत हो जाइए। माँ जी मुझे बाजार में ये सांप के प्रिंट की साड़ी दिखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं आपके लिए ले आऊँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये सब इस राधिका की वजह से हुआ है, ये जानती थी कि मुझे सांप से डर लगता है, इसीलिए इसने जानबूझकर मेरे लिए ये सांप प्रिंट की साड़ी लेकर आई है। पर माँ जी सांप के प्रिंट की साड़ी से क्या दिक्कत है? तुम मेरे साथ चलो, माँ को आराम करने दो, मैं तुमको सब कुछ बाद में बताता हूँ। शोभा आराम करने लगती है और प्रवीण बताता है कि शोभा को शुरू से सांप पसंद नहीं थे। जब शोभा शादी करके अपने ससुराल आई थी तो उसकी सास आशा उसे सांप दिखाकर डराया करती थी, और एक बार तो आशा ने शोभा के खाने में नकली सांप रख दिया था। अब आशा तो इस दुनिया से चली गई थी लेकिन शोभा के दिल से सांप का डर नहीं गया था। अरे वाह, मेरी सबको डराने वाली सास भी किसी से डरती है, ये जानकर तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काश मैं भी अपनी सास को डरा सकती, पर मेरे ऐसे नसीब कहाँ। राधिका ये कहती है और प्रवीण और राधिका सो जाते हैं। अगली सुबह शोभा देर तक सो रही थी और राधिका अपनी दादी सास आशा की तस्वीर पर धूल देखती है और उस पर कपड़ा मारते हुए कहती है, एक आप ही थी जो मेरी सास को डरा सकती थी, काश आप ही मेरी थोड़ी मदद कर सकती, कम से कम कुछ तो मेरा जीना आसान हो जाता। राधिका ने ये बोला ही था कि दादी सास की तस्वीर से एक प्रकाश निकलता है और दादी सास की तस्वीर बोलने और हिलने लगती है और तस्वीर में आशा की छवि कहती है, बहू मैं जानती हूँ कि तेरी सास ने तुझे बहुत परेशान किया हुआ है, इसीलिए आज मैं यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ। सासू माँ आप? हाँ। शोभा शुरू से घमंडी और बदतमीज है, इसीलिए मैं उसे नकली सांप दिखाकर डरा कर रखती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद वो बेलगाम घोड़ी हो गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू उस पर लगाम लगाए। पर दादी सासू माँ ये कैसे हो सकता है? वो सांप से डरती है, मैं तुझे ये शक्ति देती हूँ कि आज के बाद जब भी तू मन में सोचेगी मैं नागिन बन जाऊँ तब तू नागिन बन जाएगी, और जब मन में सोचेगी कि मैं राधिका बन जाऊं तो तू राधिका बन जाएगी, लेकिन आज के बाद मैं फिर कभी तुझे ना दिखूंगी और ना मिलूंगी, इसीलिए बहू
अपना ख्याल रखना। आशा के ये कहते ही एक बार फिर से तेज प्रकाश होता है और आशा की छवि वापस तस्वीर में बदल जाती है। राधिका को ये सब किसी सपने जैसा लगता है। तभी शोभा आती है और कहती है, अरे ओ बहू, अगर आवारागर्दी हो गई हो तो जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना ला, फिर घर का कोना कोना अच्छे से साफ करना, काम चोर कहेंगी। अब माँ जी को कैसे बताऊं कि माँ जी की तो शामत आने वाली है। मैं उनको अच्छे से सबक सिखा दूंगी, लेकिन मैं माँ जी को ऐसे परेशान नहीं करूंगी। जब वो मुझे परेशान करेंगी ना, तब मैं उन्हें नागिन बनकर सबक सिखा दूंगी। राधिका चाय बनाकर लाती है और उसके दिमाग में अपनी दादी सास की बातें घूम रही थी। इस कश्मकश में वो चाय में चीनी डालना भूल जाती है और चाय ले जाकर अपनी सास को देती है। और जैसे ही शोभा चाय का एक घूंट पीती है, उसे तुरंत उगल देती है और बची हुई गर्म चाय राधिका के ऊपर फेंक देती है। आह आह, राधिका का शरीर चाय से जल जाता है और वो कहती है, माँ जी, आपकी गलतियों की सजा अब मैं आपको दूंगी। राधिका ये बोलकर अपने मन में कहती है कि वो नागिन है, जिसके बाद वो नागिन के रूप में आ जाती है और उसे देखकर शोभा के तो मानो प्राण ही सूख जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डरकर कांपने लगती है और नागिन बनी राधिका कहती है, माँ जी, बहुत परेशान कर लिया आपने मुझे, बस अब और नहीं, अब आपको आपकी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। अब जल्दी से पूरे घर का काम करिए, वरना मैं आपको जिंदा निगल जाऊंगी। अरे अरे नहीं बहू, मुझे कुछ मत करना, मैं पूरे घर का काम अच्छे से कर दूंगी, मुझे तू कुछ मत करना बस। शोभा डर कर घर का सारा काम अच्छे से करती है और शाम को जब प्रवीण आता है तो उसे जाकर कहती है, अरे बेटा बेटा, बहू नागिन है, नागिन, हाँ बहू नागिन है, तुझे पता है। माँ, लगता है कल रात के सदमे को आप भूली नहीं हो, जो आप राधिका को नागिन कह रही हो। एक काम करो, आप अपने कमरे में आराम करो। प्रवीण उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और शोभा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद जब भी प्रवीण काम पर जाया करता तो राधिका अपनी सास को सताया करती और नागिन बनकर डराया करती। शोभा से अपने घर का सारा काम करवाती और बेचारी शोभा डर के मारे सारा काम करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर एक दिन जब राधिका शोभा के सामने नागिन बनकर आती है तो शोभा डर कर कांपने लगती है और बेहोश हो जाती है। राधिका वापस अपने असली रूप में आती है और शोभा को होश में लाती है। राधिका देखती है कि शोभा का शरीर तप रहा है, डर के मारे उसे बुखार हो गया था, जिसके बाद शोभा कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, अगर तू चाहेगी तो मैं घर से चले जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे डराना बंद कर दे, मैं अभी मरना नहीं चाहती, अभी नहीं मरना चाहती। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है और मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप मुझे कभी परेशान नहीं करेंगी, तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आज से मैं भी कभी नागिन बनकर आपको नहीं डराऊंगी। राधिका की बातें सुनकर शोभा की आंखें भर आती हैं और वो राधिका से ये वादा करती है कि आज के बाद वो कभी भी उससे बुरा व्यवहार नहीं करेगी। और फिर उसके बाद वो राधिका को अपने गले से लगा लेती है। इस तरह से राधिका कभी नागिन बनकर अपनी सास को नहीं डराती और दोनों सास बहू अपने एक छोटे से आशियाने में खुशी खुशी रहने लगते हैं।